हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल के चित्रकार, जो कि बंगाल शैली से नहीं जुड़े हुए थे लेकिन उसी समय काम कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ललित मोहन सेन का। ललित मोहन सेन, जो कि लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे, लखनऊ कला विद्यालय के पहले कला के स्टूडेंट रहे, और रणवीर सिंह बिष्ट जैसे शिष्यों के बहुत अच्छे गुरु रहे, या हम कहें चित्रकारों के बहुत अच्छे गुरु रहे। तो हम ललित मोहन सेन के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हुए चित्र, इनके बनाए गए चित्र, इनसे जुड़ी हुई चित्रों की तकनीक, इनकी विशेषताएं, इन्होंने कहाँ क्या काम किया, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। और यहीं से क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में आते हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि इनका एक भी क्वेश्चन जो इनसे आए वो आपका ना छूटे। तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी और आप लोग अपना 100% दे दीजिए इस वीडियो को देखकर। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जब सबसे पहले हम ललित मोहन सेन की बात करते हैं, जिनका जन्म बंगाल में 1898 ईस्वी में हुआ था, और कब हुआ, तो 9 नवंबर, इसी के साथ ये याद रखना, 9 नवंबर 1898, ठीक है, 9 नवंबर 1898 ईस्वी में ललित मोहन सेन का जन्म कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। ये एक प्रिंट मेकर थे, मतलब ग्राफिक की शिक्षा भी इन्हें प्राप्त थी, ये ग्राफिककार भी थे, ये चित्रकार भी थे, ये मूर्तिकार भी थे, और एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो ललित मोहन सेन एक प्रिंट मेकर, एक चित्रकार, एक मूर्तिकार, एक फोटोग्राफर, सब कुछ थे। तो यहाँ पर अगर पूछ पूछ लिया जाए कि इनमें से क्या नहीं थे, तो इस तरीके से एक लेखक आपको नहीं दिखते, बाकी ये सारी कला की सारी विधाओं में ये पारंगत थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जन्म की बात हो गई, इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो इनकी शिक्षा से है। तो सन 1911 में लखनऊ कॉलेज में आर्ट आया, और 1912 में ये एडमिशन लिए। तो लखनऊ कला विद्यालय के हम कह सकते पहले स्टूडेंट जो थे ये थे, और इन्होंने शिक्षा किससे ली, तो नथानियल हार्ट से इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षा ली थी, चित्रकला की शिक्षा। अगर हम यही ग्राफिक कला की शिक्षा की बात करें, तो 1925 ईस्वी में इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से प्राप्त की थी। 1925 ईस्वी में इन्हें एक स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिली थी, जिसको प्राप्त करने के बाद ये लंदन गए थे, और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने ग्राफिक एचिंग एक्वाटिंट ग्राफिंग ग्राफिक में एचिंग एक्वाटिंट ड्राई पॉइंट कास्ट उत्कीर्णन या वुड इंग्रेविंग की शिक्षा इन्होंने ली थी। तो ये सारी चीजें जो ग्राफिक की शिक्षा थी वो इन्होंने कहाँ से ली थी, वो लंदन से ली थी। चित्रकला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, तो लखनऊ से ली थी। और ये प्राचार्य जो है, ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बने, ठीक है, ये याद रखना, लखनऊ कला विद्यालय, ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बने। 1945 से 1954 ईस्वी तक ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे, ठीक है, लगभग 10 साल, और उतने सालों में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय को अपनी काफी अच्छी स्थिति में पहुंचाया। वहां के छात्रों को देख कर चित्रण करवाना, स्टिल लाइफ चित्रण करवाना, इन सभी चीजों पर बहुत बल दिया। आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि लखनऊ कला विद्यालय में सबसे पहले ग्राफिक की शिक्षा जिसने आरंभ करवाई थी, वो भी ललित मोहन सेन ही थे। तो जब ये चित्रकार थे, ग्राफिककार थे, चित्र में इन्होंने ऑयल कलर, पेस्टल कलर, वाटर कलर सब में काम किया। तो अब यहाँ पर इन्होंने ग्राफिक तकनीक में भी काम किया है। तो यहाँ चित्र दे रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। डांसिंग फिगरिंग या नाचती हुई लड़की, आप यहाँ देखेंगे, ये फोटो भी इन्होंने खींचा और चित्र भी बनाया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, डांसिंग फिगरिंग। सी सेट मैन इन ए ड्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेड ऑफ गर्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है। इसके अलावा इन्होंने स्नान गृह में, पनिहारिन, कवि टैगोर, पहाड़ का मुखिया, ग्राम्य दृश्य, गली का मोड़,
ये पहाड़ का मुखिया, ग्राम्य दृश्य और गली का मोड़ ये लीनो कट में इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद गंगानाथ झा और अमरनाथ झा के आदम कद चित्र बनाए हैं, मतलब फुल पोर्ट्रेट, सिर से लेके पैर तक का चित्र इन्होंने बनाया। इनका एक चित्र मॉर्निंग इन द टीजी, रिवर कुकराइल, बनारस घाट, औरंगजेब मार्क्स एट लखनऊ, ये सब प्रसिद्ध चित्र जो हैं इनके भू दृश्य हैं, मतलब इन्होंने सीनरी भी हम कहें, लैंडस्केप भी बनाए हैं। तो ये चित्र भू दृश्य में आते हैं और ये चित्र इनके पेंटिंग्स में और लीनो कट में जो भी हैं मैंने आपको बताए, तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आपको ये भूलना नहीं है। अब इसके बाद ललित मोहन सेन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला की शुरुआत करने वाले पहले चित्रकार कौन थे? तो ललित मोहन सेन थे। ये वन लाइनर टाइप का है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। और हाँ, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको दे दूंगी, और आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगी। लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले छात्र ने कब प्रवेश लिया? तो 1912 ईस्वी में लिया। अब पहले हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य जो थे वो आपके असित कुमार हलदार थे, और असित कुमार हलदार के बाद ये प्रधानाचार्य बने, और इनके बाद आपने देखा था कि सुधीर रंजन खासगीर बनते हैं, और उसके बाद रणवीर सिंह बिष्ट, आगे आगे चलता रहता है। तो चलिए, ललित मोहन सेन ने 1931 ईस्वी में लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस की दीवारों को चित्रित किया था। अब ये लंदन से वापस आ गए और 1929 में इन्हें बुलाया गया और 1931 में इन्होंने काम किया। इनके साथ में सुधांशु चौधरी, रणदाव कील और धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मन भी थे जब ये इंडिया ऑफिस लंदन की दीवारों को सजा रहे थे, ललित मोहन सेन, ठीक है? इस कार्य को पूरा करके ये सन 1933 में वापस भारत लौट आए। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कब इंडिया ऑफिस लंदन की दीवारों को सजाया या चित्रित किया। वापस आना भले ना याद रहे, पर इनका जाना याद रहना चाहिए, ठीक है? ललित मोहन सेन ने पेस्टल, क्रेयॉन, इन सभी माध्यमों में ग्रामीण बालिकाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जब आप आगे देखोगे तो काफी अच्छा चित्रण इन्होंने किया है। ललित मोहन सेन पाश्चात्य यथार्थवादी प्रभाव वाले सबसे अच्छे चित्रकार थे। मतलब सबसे अच्छा यथार्थवादी चित्रकार कौन था? तो आप याद रखें, ललित मोहन सेन थे। इनके चित्रण विषय सदैव राष्ट्रीयता और मध्यवर्गीय समाज के आत्मिक अनुभवों से उत्प्रोत रहते थे। हमेशा इनके चित्रों में उस समय भाई भारत जो था गुलामी से जकड़ा हुआ था, या हम कहें अंग्रेजों के शासन में था, तो इनके चित्रों में राष्ट्रीयता दिखाई देती थी और मध्यम वर्गीय परिवार की आत्मिकता ये अपने चित्रों में दिखाते थे, उन्हीं को चित्रित करते थे। मोस्टली ये गांव की लड़कियों को, मेहनत कश मजदूरों को, इनको भी बहुत ज्यादा इन्होंने चित्रित किया है। इसके बाद इन्होंने लीनो कट में, वुड कट में, इन सभी में बहुत ही बारीक और लयात्मक चित्रण किया है, जिससे इनकी आकृतियां हैं काफी अच्छी दिखती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके चित्रों का एक भूदृश्य चित्र है, यहाँ का एक लैंडस्केप इन्होंने बनाया है। ये आप देखेंगे तो इनके चित्रण का तकनीकी आपको पता चलेगा, थोड़े धूमिल रंग लगाते थे, बहुत चटक रंगों का प्रयोग ये नहीं करते थे। ललित मोहन सेन के शिष्यों की अगर हम बात करें तो इनके शिष्यों में नित्यानंद महापात्रा, अजमत शाह आते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं इनके शिष्यों में आते हैं, या बहुत सारे लोगों ने इनके चित्रों का अनुकरण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो इनके शिष्यों में अनुकरण करने में आ जाएंगे। इनका चित्रण माध्यम जो था बहुत अच्छा था। ये मुख्य रूप से हरिहर लाल मेड़, पूज रंजन, पुरंजय बनर्जी, ईश्वर दास, विश्वनाथ मुखर्जी, बी एन जिज्जा, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, एपी दुबे, जेसी गुप्ता, एस सेन राय, आरसी साथी। अब एक चीज तो याद हो गई आपको, याद रखनी है कि ये सब इनसे प्रभावित थे। और दूसरी चीज ये भी याद रखनी है आपको कि ये सारे चित्रकार कहाँ से संबंध रखते हैं, तो लखनऊ से संबंध रखते हैं या उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। आप इनके नाम एक बार देख लीजिए,
क्या पता यही पूछ लिया जाए पेपर में कि ये चित्रकार कहाँ से संबंध रखता है या कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने कहा लखनऊ से। लखनऊ और इलाहाबाद दो मुख्य केंद्र रहे कला के, जिनमें लखनऊ और इलाहाबाद दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको लखनऊ से जुड़े हुए चित्रकारों की भी एक सीरीज दे दूंगी, लेकिन तब तक मैं आपको बताती भी चल रही हूँ। जैसे अब तक मैंने लखनऊ से जुड़े हुए चित्रकारों में असित कुमार हल्दार आपको पढ़ा दिए, आपको सुधीर रंजन खास्तगीर पढ़ा दिए, और ये तीसरे ललित मोहन सेन हैं जो कि लखनऊ से संबंध रखते हैं या उत्तर प्रदेश की कला से संबंध रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को करिएगा शेयर। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, या कुछ लोग देख लेते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, मुझे बताते भी नहीं हैं कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा अगर कोई कह देते हैं ना कि हाँ ठीक है या ये कमी है तो वो मैं सुधार सकती हूँ, और अगर अच्छा कहते हैं तो मन को थोड़ा संतोष मिलता है, और हाँ और अच्छा करने का जज्बा मिलता है, इसलिए बोल दिया करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।